हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई एम आल्सो गुड। एंड टुडेज वीडियो इज गोना बी क्रिएटिविटी, माय क्रिएटिविटी। आई एम जस्ट जोकिंग। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट घर आई हूँ, और मतलब मैं ऑफिस से अभी जस्ट घर आई हूँ। तो मैं सोचा आते ही मुझे एक मज़ेदार कंटेंट मिला है, मुझे लगता है कि मज़ेदार कंटेंट होने वाला है, तो मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं जस्ट ऑफिस से घर आई हूँ, तो शूट करने पर लग गई हूँ। मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। सो फाइनली फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, और जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, मैंने फ्रेश वगैरह मैं अच्छे से हो गई हूँ। और बताती हूँ मेरा वीडियो एक्चुअली मैं किस टॉपिक के ऊपर है। एक्चुअली क्या है कि मुझे ऑफिस से आते ही मुझे भूख बहुत तेज का लग गया था, क्योंकि मैंने इवनिंग के टाइम में स्नैक्स वगैरह नहीं खाया था। और घर में जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो मुझे भूख बहुत तेज का लग जाता है। तो मैंने सोचा, मैं सूप ले रही थी, मतलब मैं खरीद रही थी सूप, तो मुझे दो तरीके का सूप दिखा, एक तो नॉर का दिखा, एक चिंग्स का दिखा। तो मेरे मन में क्रिएटिविटी चल रही थी कि चलो कुछ ना कुछ हो सकता है, मैं सोच ही रही थी। तो फाइनली मैं सोचा चलो एक कंपैरिजन वीडियो बना देते हैं, और भूख भी मिट जाएगा, प्लस आप लोगों को एक वीडियो भी मैं दे पाऊंगी। और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, पता नहीं होगा या पता होगा, पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि मुझे ब्लॉगिंग वैसे ही करना पसंद है, और मैं कुछ जब भी रास्ते उस्ते में होती हूँ, ऐसा कुछ लेती हूँ या फिर कुछ करती हूँ, तो मन में आता है कि इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है क्या, इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है क्या। तो फाइनली मुझे एक आइडिया मिला, तो मैं सोचा चलो एक आइडिया मिला है उसको ही एक प्रॉपर ब्लॉग शूट कर लेते हैं। वैसे तो मेरे चैनल में भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज आ ही रहेंगे, तो मैं सोचा चलो आज प्रॉपर अपने व्यूअर्स को ब्लॉग दे देंगे। तो मैं दिखाती हूँ मेरे पास मैंने कौन कौन सा फ्लेवर लिया है। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैंने इसे ही लेने का सोचा था, मेरा नज़र पहले इस पर ही पड़ा, और मैं बेसिकली इसे ही ज़्यादा ट्राई करती हूँ। तो जहाँ पे ये दिख रहा था उसके बगल में ही मुझे ये भी दिखा, तो मैं सोचा कि इन दोनों पे कंपैरिजन क्यों ना हो जाए। तो साथ ही साथ मुझे अलग फ्लेवर भी दिखा, ये स्वीट कॉर्न वेज का दिखा, और साथ साथ ये भी बगल में था। तो मैं सोचा चलो भाई ठीक है, ये चार फ्लेवर, मतलब दो फ्लेवर मिल गए, दो अलग कंपनी के फ्लेवर और ये दो अलग कंपनी के फ्लेवर। तो मैं सोचा चलो इन दोनों पे एक कंपैरिजन वीडियो ही बनाया जाए और टेस्ट भी कर लेंगे कैसा है कैसा नहीं। बेसिकली मैं ये ज़्यादा ट्राई करती हूँ, ये दोनों मेरा फर्स्ट ट्राई होगा। तो चलिए बनाते हैं सूप, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली मैं अपने किचन में आ गई हूँ, और चलिए बनाते हैं ये दोनों फ्लेवर के, दोनों दो अलग अलग ब्रांड्स के सेमी फ्लेवर के सूप, और टेस्ट भी करते हैं, और भूख भी बहुत तेज का लगा, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं, और कैसे क्या बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट सूप को रेडी करते हैं, और आप लोग भी देखिए मैं कैसे सूप बनाती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, तो फटाफट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सूप रेडी हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और दिखने में तो काफ़ी
ज़्यादा ही कलरफुल और टेम्पटिंग टेस्टी भी यमी जैसा दिख रहा है। तो एक साइड मैंने नॉर को रखा, एक साइड मैंने चिंग्स को रखा है, तो चलिए फटाफट ट्राई करते हैं। रेडी हो चुका है, तो चलिए पहले ट्राई करते हैं। पहले किसका ट्राई करें? पहले चिंग्स का ट्राई करते हैं। चिंग्स मेरे लिए नया होगा, इसमें ये चिंग्स का ये मिक्स वेज है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम होगा ये। चटपटा टाइप है, जिन्हें तीखा वगैरह पसंद है उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। मुझे तीखा तो पसंद नहीं है, मेरी बहन को पसंद आएगा ये श्योर। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ नॉर का वेजिटेरियन, जिसका ये मनचाऊ जैसा था, मिक्स वेज था, तो इसका कलर इसीलिए शायद इस तरीके से दिखा। अब इसका कैसा, ये तो इस टेस्ट में यूज टू, क्योंकि मैं बेसिकली मैं ये खाती रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसे खाती हूँ। आई मीन पीती हूँ, सूप तो पिया जाता है, खाया तो भी जाता। तो अब चिंग्स का ये ट्राई करते हैं। ये कॉर्न था, मिक्स कॉर्न सूप था, ये मिक्स कॉर्न था शायद, हाँ ये मिक्स कॉर्न था। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। जो भूख लगी थी वो तो हो जाएगी। मैं इनमें से मैं कॉर्न का ही ज़्यादा, एक बाउल तो मैं कॉर्न का ही खिलूँगी, मेरा पेट भर जाएगा। मुझे चिंग्स का स्वीट कॉर्न सूप बढ़िया लगा, जो कि फर्स्ट ट्राई में कर रही हूँ, बढ़िया लगा, नाइस। वीडियो के बाद मैं इसे पूरा खा लूँगी। अब इसे ट्राई करते हैं, ये तो नॉर का स्वीट कॉर्न है, इसे ट्राई करते हैं। इसे मैं बहुत कम खाती हूँ वैसे, बहुत कम। ट्राई करते हैं इसको। कॉर्न तो सेम ही है बट टेस्ट डिफरेंट है, ऑब्वियसली बात है, टेस्ट डिफरेंट हो गए। तो ओवरऑल बोलूँ तो मुझे चिंग्स वर्सेस नॉर में अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो मुझे चिंग्स का मुझे स्वीट कॉर्न सूप मज़ा आया खा के, और ये मिक्स, और इसकी मैं बात करूँ तो ये थोड़ा स्पाइसी है, ये जिन्हें तीखा वगैरह पसंद है, थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो उसे पसंद आएगा। बाकी मुझे अगर बाकी दोनों का कंपैरिजन करो तो मुझे चिंग्स का सूप बढ़िया लगा, वो स्वीट कॉर्न अच्छा लगा, और नॉर का मुझे भेज अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग इनमें से कौन सा फ्लेवर आप लोगों ने ट्राई करा है, क्या कौन सा फ्लेवर ट्राई नहीं करा है। अगर ट्राई नहीं करा है तो श्योर मैं अगर रिकमेंड करूँगी तो आप चिंग्स का ट्राई कर सकते हो, चिंग्स का मुझे बढ़िया लगा। तो जैसा आप लोगों को मैंने बताया, मुझे कंपैरिजन की बात करो तो मुझे चिंग्स का बढ़िया लगा, और नॉर भी अच्छा है, क्योंकि नॉर का मैं वेज ट्राई करती रहती हूँ, और ये कॉर्न मुझे उतना खास नहीं लगा, और चिंग्स का मुझे बढ़िया लगा। अभी मैं अपने अलग से क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं क्या करूँगी, अभी ये चारों फ्लेवर का जो मैंने सूप लिया है, ये चारों को मैं मिक्स करके ट्राई करूँगी कि कैसा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है घर पर तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लेकिन मैं ये करने वाली हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। मैंने एक्स्ट्रा बाउल भी ले लिया था ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले एक चम्मच ये चिंग्स का वेजी मिक्स सूप, उसके बाद नॉर का ये छोटा छोटा टी इसका स्पून का साइज है, तो मैं इसे दो बार लूँगी, पता नहीं कैसा लगेगा, बट टेस्ट करके तो बनता ही है, खाना ही है, कैसा अच्छा लगेगा बुरा लगा वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आता है वेज कॉर्न, का मुझे वेज कॉर्न बनता है, ये नॉर का स्वीट कॉर्न। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। चारों फ्लेवर मैंने मिक्स कर लिया, देख सकते हो आप लोग, कलर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा छोड़िए, कोई नहीं, मैं टेस्ट करके ही बता देती हूँ कैसा लग रहा है ये।
अच्छा इन्वेंट कर दिया मैंने, सही में अच्छा लग रहा है ये। आप लोग प्लीज ट्राई करो घर पे। मजाक नहीं कर रही हूँ, हंस रही तो आप लोग मजाक मत लेना, लेकिन अच्छा लग रहा है, सीरियसली अच्छा लग रहा है। खट्टा मीठा तीखा सब आ रहा है इसमें। स्वीट कॉर्न जो है वो तो मीठा का लग रहा है, और चिंग्स का जो मैंने वेजेस का जो मन चाव था उसको मिस कर दिया, तो पूरा फ्लेवर ही बदल गया पूरा। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रही है, आप लोग भी ट्राई करना। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने जो सूप ट्राई करा, जैसा भी टेस्ट था, जो भी था, मैंने अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कराई। आप लोग बताओ, आप लोगों ने दोनों ब्रांड का कौन सा फ्लेवर ट्राई करा है, कौन सा फ्लेवर नहीं ट्राई करा, और मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोगों ने कौन सा फ्लेवर ट्राई करा है, अगर ट्राई नहीं करा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि चिंग्स का आप लोग ट्राई करो, चिंग्स का आप लोगों को पसंद आएगा, और नोर भी पसंद आ सकता है, बट मैं मुझे चिंग्स का स्वीट कॉर्न ज़्यादा अच्छा लगा। वेजिस नोर का तो मैं खाती हूँ, बट चिंग्स का मुझे स्वीट कॉर्न का जो सूप था वो फ्लेवर का वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और ऑफिस से आने के बाद वीडियो शूट करना एक टास्क ही होता है, तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद होता है, इसीलिए मैं जब मुझे मौका मिलता है तब मैं सोचती हूँ चलो ये कंटेंट बन सकता है तो मैं शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आई होप कि आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को लगता है वीडियो शेयर होना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ न्यू कंटेंट के साथ, या फिर शॉर्ट वीडियो के साथ, कुछ मेरे से रिलेटेड कोई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय।